दोस्तों आजकल हर किसी के मन में एक ही सवाल रहता है कि बेस्ट नॉन चाइनीज़ फ़ोन कौन सा है 15,000 के अंडर में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फ़ोन कौन सा है और अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। तो आज हमारे पास अमेजोन से आ चुका है सैमसंग का M21, जो कि बेस्ट नॉन चाइनीज़ फ़ोन में से एक है अंडर 15,000 में। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं यह फ़ोन किस तरीके से दिखता है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आज और आपको दिखाते हैं क्या क्या कंटेंट हमें इसमें मिलेंगे और क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं 15,000 के अंडर में। वैसे देखा जाए तो इसका प्राइस अभी 13,999 चल रहा है अमेजोन में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे अपने ऑफ़र लगा के और भी कम दाम में ख़रीद सकते हैं। तो बॉक्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें आगे से सैमसंग की ब्रांडिंग और M21 लिखा गया है। पीछे की तरफ देखें तो एक सील दी गई है और पूरा ब्लैंक रखा है। अब इसकी सील को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर से क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पीछे की तरफ से पूरा ब्लैंक है, आउट साइड में यहाँ पर सैमसंग M21 लिखा गया है और इस पीछे की तरफ पूरा ब्लैंक रखा हुआ है। उसको ऊपर लेते हैं तो सबसे ऊपर हमें फ़ोन देखने को मिलता है और सैमसंग का एक बॉक्स भी है जो कि अपर पार्ट में चला गया है, उसको अभी फिर देखेंगे। पहले फ़ोन निकाल के देखते हैं। तो बाहर से एक प्लास्टिक रैप रखा है, इसको हम निकाल के देखेंगे। कलर हमने ब्लू यहाँ पर वेरिएंट ऑर्डर करा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाहर से वाइट पन्नी, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी के चलते थोड़ा शाइनी सा लग रहा है। अभी देखते हैं अंदर से कैसा है ये कलर। और ब्लू कलर है, देखिए एकदम हल्का शाइनी दिया गया है। प्लास्टिक बैक है तो उतना शाइन नहीं कर रहा है वो। और फ्रंट में अगर देखें तो अभी ऑन करके पता चलेगा, एक नोच दी गई है यहाँ पर। तो इसको जब तक ये बूट होता है तब तक इसे और सामान देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो चार्जर देखते हैं अगर बॉक्स में, तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जो कि 15 वाट का चार्जर दिया गया है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर अडेप्टर फास्ट चार्जिंग करके लिखा गया है, पीछे सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। और इसके साथ जो हमें केबल मिलती है वो भी हम देख लेते हैं। तो USB टाइप सी वाली दी गई है, जी हाँ USB टाइप सी दी गई है, तो यह भी एक अच्छी बात है। तो फ़ोन को लगा दिया है हमने बूट और पार्टी की सेटिंग करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और इसमें कई सारी ऐप हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिलती हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, यूट्यूब का हो गया, स्नैपचैट हो गया, डेली हंट हो गया, इस तरह की ऐप हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिलती है। कोई भी ऐप आपको अगर नहीं चाहिए, अनवांटेड ऐप है, तो उसको आप हटा सकते हैं। अगर हम फ़ोन के इंटरफेरेंस की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और बात करें इसके सॉफ्टवेयर वर्जन की, तो इसमें हमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं हम आपको दिखाएंगे, देखिए एंड्रॉयड 10 लिखा हुआ है। तो बॉक्स से ही हमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फीचर्स की, जो इसको बेस्ट बनाते हैं 15,000 की रेंज में। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखें तो 6000 mAh की बैटरी दी गई है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, USB-C दी गई है, एक्जीनोस का 961 प्रोसेसर दिया गया है, 4GB और 64GB दी गई है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, 20 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, 48 MP प्लस, 8 MP प्लस, 5 MP, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। सर एक छोटा सा बॉक्स हमें देखने को मिला, इस बॉक्स में हमें सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, और अंदर से अगर देखें तो यूज़र गाइड और एक यहाँ पर वारंटी कार्ड और कुछ ज्ञान की बातें देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इस बॉक्स में हमें बैक कवर या केस कवर नहीं देखने को मिलता है, बस इतना ही चीज़ें हमें इस फ़ोन में मिलती हैं।
फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ नोज देखने को मिलती है और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पर 48 मेगापिक्सल भी लिखा गया है और उसी के साइड में यहाँ पर बगल में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो रियर साइड में ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिलते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऊपर की तरफ एक सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है, बाकी सारा ब्लैंक है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड की बात करें तो सिम इजेक्टर ट्रे दी गई है जो कि आप अगर हो सकता है कैमरे पर देख पा रहे हो तो कलर, क्योंकि ज़्यादा डार्क है वहाँ पर इस वजह से देखने को नहीं मिल पा रहा है अच्छे से। और नीचे की तरफ देखें तो है एक हेडफोन जैक, चार्जिंग पोर्ट और एक माइक और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। सामने की तरफ जो कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्राइटनेस है, लेकिन दोस्तों इसमें हमें स्क्रीन गार्ड देखने को नहीं मिलता है। और बैक साइड में भी यहाँ पर ऐसा प्रोडक्शन दी नहीं गई है, एक प्लास्टिक बैक है। अब चेक कर लेते हैं कुछ कैमरा सैंपल, तो देखते हैं यहाँ पर कैमरा कैसा काम करता है इस फ़ोन का। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखें तो नीचे फोटोज, लाइव फोकस और वीडियो का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पर मोर का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ से कि हम ये है नाइट की फ़ोटोज़ हैं या फिर ब्लर बैकग्राउंड करना है या फिर अलग अलग मोड जो दिए गए हैं उसमें फ़ोटो हम खींच सकते हैं वहाँ से। तो इसके कैमरा सैंपल मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, आप भी देखिए किस तरीके से हमें इससे सैंपल देखने को मिलते हैं। इसी फ़ोन से दिए गए कुछ सैंपल, ये फ़ोटो सेल्फी कैमरा से ली गई है तो कुछ इस प्रकार से हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम बॉक्स प्राइस की बात करें तो 15,999 रुपये ली गई है, लेकिन अमेजोन में यह 13,999 रुपये है दोस्तों। ये वेरिएंट की बात करें तो 4GB 64GB दिया गया है, तो लिंक मैंने दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक से क्लिक करके इस फ़ोन को ले सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो सही लगी आपको तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। तो यही फ़ोन है दोस्तों जो 15,000 की रेंज में बेस्ट फ़ोनों में से एक है, सैमसंग का M21 जो कि नॉन चाइनीज फोन है दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन